द ऑल न्यू होंडा एक्सब्लेड BS6 2022 मॉडल 2022 की ऑल न्यू आप सभी की होंडा एक्सब्लेड। आप सभी लोग को पता होगा कंपनी एक बड़े बदलाव के साथ आप सभी के सामने ऑल न्यू होंडा एक्सब्लेड आप सभी के लेके आने वाली है। क्या कुछ दो से तीन कंपनी ने बड़े बदलाव आपको इस बाइक में प्रोवाइड कर दिए हैं, कब तक आप सभी के नियर बाई शोरूम में ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी, क्या कुछ बड़े फीचर और स्पेक्स ऑन रोड प्राइसिंग माइलेज, पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको हम बाइक और स्कूटर दुनिया से अप टू डेट रखें। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले होंडा एक्सब्लेड के बड़े अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी थोड़े बहुत इसके लुक और स्टिकर्स में बड़े चेंज लेके आने वाली है। आपको इस गाड़ी में जो कलर कॉम्बिनेशन कंपनी डील करती है, करेंटली 4 कलर्स में डील करती है, ग्रे, ब्लैक, रेड और ब्लू, तो कंपनी थोड़े बहुत कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंशिएट करने वाली है। उसके साथ ही साथ आपको डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन यहाँ प्रोवाइड करने वाली है, जो कई हद तक एक बहुत ही शानदार बात रहेगी। ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को मिल जाता है डुअल टोन में। तो आपको एक दो कंपनी और न्यू कलर लेके आने वाली है डुअल कलर कॉम्बिनेशन में, जो कि इस गाड़ी को कहीं ना कहीं लुक को और बेहतर बनाएगा और आपकी गाड़ी पहले देखने में ज़्यादा बेहतर लगने वाली है। तो ये एक पहला बड़ा अपडेट आप सभी की ऑल न्यू होंडा एक्सब्लेड में आपको देखने को मिल जाएगा। लुक वाइज कंपनी इसको थोड़ा और अपडेट करने वाली है। स्टिकर्स आपको थोड़े और चेंज और कलरफुल और अट्रैक्टिव बिल्कुल देखने मिल सकते हैं। दूसरा अपडेट, कंपनी इसकी प्राइसिंग लगभग 1000 से 1500 रुपये का इंक्रीजमेंट कर रही है। 1000 से 1500 रुपये ये गाड़ी आपकी और महंगी होने वाली है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप सेफ्टी वाइज बात करेंगे तो होंडा इसमें बहुत पीछे रह जाता था। कंपनी को साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर बहुत पहले प्रोवाइड करनी चाहिए थी जब बाइक इन्होंने लॉन्च की थी, लेकिन हाल ही में कंपनी ने अपने साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर का अपडेट क्लियर कर दिया है। तो साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको आप सभी की ऑल न्यू होंडा एक्सब्लेड में भी देखने को मिलने वाला है, जो कि कई हद तक एक बहुत ही शानदार बात है। कहीं ना कहीं देखेंगे तो सेफ्टी वाइज एक बहुत ज़रूरी फीचर था, जो आज की डेट में दूसरी भी टू व्हीलर्स कंपनियों को और दूसरी बाइकों में आपको देखने को मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन फाइनली होंडा इस पर काम कर रहा है और होंडा आपकी सेफ्टी को सीरियसली ले रहा है, इसलिए आप सभी को यहाँ पे ऑल न्यू साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से अगर आपकी गाड़ी में साइड स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होने वाली है। कई हद तक ये बहुत ही शानदार कंपनी द्वारा मूव किया गया है, ताकि अगर कभी भी साइड स्टैंड लगा रहे हैं तो आपकी गाड़ी स्टार्ट ना हो, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी देखने ना मिले। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कंपनी द्वारा, जो कंपनी आपको यहाँ पे साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर ऐड कर चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर के अलावा और क्या कंपनी यहाँ अपडेट लेके आ रही है। तो उसके बाद अगर इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे तो एक आपको जो और बड़ा अपडेट देखने को मिलने वाला है, थोड़े बहुत आपको यहाँ पे पावर फिगर्स इंक्रीज होते हुए मिल सकते हैं। पावर फिगर्स कहीं ना कहीं होंडा एक्सब्लेड भी मार खा जाती है, तो कंपनी ये तो कन्फर्म है इसके इंजन को रीट्यून कर रही है। अब ये कन्फर्म नहीं है आपको पावर फिगर्स इंक्रीज होंगे या नहीं, लेकिन जो चांसेस क्रिएट हो रहे हैं बिल्कुल पावर फिगर्स भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गाड़ी पावर फिगर्स वाइज 160cc में जरूर मार खा जाती थी। लोग इसके लुक के लिए इसके LED हेडलैम्प सेटअप, LED टेल लैम्प, फुल डिजिटल मीटर कंसोल, लेकिन कहीं ना कहीं इस गाड़ी का जो पावर है थोड़ा ड्रॉप रहता था। जहाँ की दूसरे बाइक की 17.63 PS की पावर प्रोड्यूस कर देती है, वहीं पर गाड़ी लगभग 15 PS के आसपास पावर प्रोड्यूस करती थी, 15-14 का, तो ये एक दिक्कत पड़ जाती थी। उसके अलावा इसके मीटर कंसोल में भी आपको थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को बिल्कुल मिल सकते हैं। थोड़े बहुत कंपनी वहाँ पे एडवांस फीचर्स आपको जरूर प्रोवाइड कर सकती है। ये गाड़ी आपको लगभग 15 से 20 दिन में आपको अपने नियर बाई शोरूम में जरूर अवेलेबल होने वाली है। मैक्स टू मैक्स आपको एक महीने के अंदर ये गाड़ी जरूर अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ये कुछ बड़े बदलाव कर रही है, जो बदलाव आपको कुछ ही टाइम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स एक डिटेल वीडियो आप सभी की ऑल न्यू अपकमिंग होंडा एक्सब्लेड BS6 2022 मॉडल पे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो लाइक जो करिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हम रोजाना आप सभी के लिए लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और कोशिश हमारी यही थी कि आपको हम बाइक को स्कूटर दुनिया से अप टू डेट रखें। उसके अलावा इस गाड़ी के माइलेज के बारे में बात करेंगे तो लगभग 40 के आसपास का माइलेज इस गाड़ी से इजीली मिल जाता है। 160cc का BS6 कंप्लायंट इंजन कंपनी आपको यहाँ पे ऑफर करती है। आपको यहाँ पे सिंगल चैनल रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। दो मॉडल्स कंपनी ऑफर करती है, जहाँ की बैक में आपको 220mm का डिस्क और 130mm की ड्रम पैकिंग का ऑप्शन मिल जाता है।